नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजीव बंसल फिर मुखातिब हूँ आपसे। मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर घूम घूम कर पार्टी का प्रचार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रही है। जैसे कि आपको मालूम है कि पार्टी का प्रचार मुख्यमंत्री बराबर जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से करते आ रहे हैं, पूरे प्रदेश में घूम घूम के करके आ रहे हैं। कल मुख्यमंत्री का हांसी में आगमन है और वो हिसार से सीधा हांसी आएंगे। हांसी में 4-8 जगह पर मुख्यमंत्री जी का स्वागत होना है। सबसे पहले हम सिलसिलेवार बताते हैं, जैसे ही मुख्यमंत्री जी का काफिला और जन आशीर्वाद यात्रा हांसी की नगर परिषद की सीमा में प्रवेश करेगी और टोल प्लाजा के ऊपर उनके लिए तोरण द्वार लगाए गए हैं, वहां पर गायत्री देवी जो कि महिला जिला अध्यक्ष हैं भाजपा की और मनदीप मलिक उनके स्वागत में पलके बिछाए बैठे मिलेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जैसे जैसे आगे चलते आएंगे हांसी की तरफ, वहीं पीर बाबा की मज़ार के ऊपर वाइस चेयरमैन श्री शर्मा स्वागत में पलके बिछाए बैठे मिलेगी और उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। जैसे मुख्यमंत्री और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर भाई जी का जो होटल है से पहले, वहाँ पर पूर्व CPS विनोद भ्याना जो कि वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, वहाँ उन्होंने अपना एक विशाल पंडाल लगाया हुआ है, वहाँ पर उनका स्वागत, मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाएगा, यात्रा का स्वागत किया जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे मुख्यमंत्री आगे बढ़ते जाएंगे और वहाँ से हल्के को कवर करते आएंगे, वैसे ही वे जाट धर्मशाला के पास पहुँचेंगे। हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए और भाजपा में शामिल हुए वरिष्ठ भाजपा नेता कहलाने वाले विनोद मेहता जी पलके बिछाए मिलेंगे जाट धर्मशाला के पास गेस्ट हाउस में, और उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हाल ही में जिन्होंने स्नेह सम्मेलन करवाया था राजेश ठकराल जी अंबेडकर चौक पर पलक पावड़ों के साथ मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। उसके थोड़ा सा और आगे चले तो हम काली देवी चौक, वहाँ पर प्रवीण बंसल जी, पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी जी और उनके साथ धर्मवीर रतेरिया जी व अन्य वहाँ उनका स्वागत करेंगे। जैसे जैसे मुख्यमंत्री जी का काफिला बढ़ता जाएगा और थाना की तरफ आगे चलेगा तो वहाँ पर राजपाल यादव जो कि हाल ही में पिछले दिनों यानी कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, वो अपने पूरे समूह के साथ मुख्यमंत्री जी की यात्रा का आशीर्वाद, जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा समझा जा रहा है। जैसे जैसे मुख्यमंत्री जी आगे चलेंगे सोरखी की तरफ निकलेंगे तो वहाँ सोरखी मंडल यानी कि उनका स्वागत करेंगे और सोरखी मंडल में जोगिंदर पूरे अपने मंडल के साथ वहाँ स्वागत करेंगे। और जैसे ही मुख्यमंत्री जी बहाटोल की सीमा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर प्रोफेसर छतरपाल और मार्केट कमेटी के चेयरमैन कुलवंत बामल जी ने यानी दायित्व लिया है मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का। ये रही स्वागत की बात, 8 जगह यानी कि भाजपा विभाजित हुए हैं, मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं और 4 जगह हमें पता लगा कि 4 जगह मुख्यमंत्री जी का विरोध भी हो सकता है। वो 4 जगह कौन कौन है जिन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है? सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को विरोध झेलना पड़ सकता है यहीं रेस्ट हाउस के बिल्कुल बगल में और सामान्य हॉस्पिटल की दीवार के साथ लगता, यानी कि जिला बनाने की जो संघर्ष समिति जो जिला बनाने की बात कर रही है अपना रामनिवास खोजी जी के नेतृत्व में, आमरण अनशन पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर जिला हांसी जिला बनाओ संघर्ष समिति का यानी ज्ञापन भी लेना पड़ सकता है, उनका विरोध झेलना भी पड़ सकता है। उसके बाद आप पार्टी नेता, आप आम आदमी पार्टी नेता मनोज राठी ने भी डिक्लेयर किया हुआ है कि भी वो मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाएंगे, क्योंकि ना तो हांसी जिला बन रहा है और ऑटो मार्केट की दुकानों का भी आवंटन नहीं हो रहा है, उनको दुकानें अलॉट नहीं की जा रही। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो वहाँ ऑटो मार्केट वालों ने आज पूरी दुकानें बंद की हुई हैं और उनका भी यानी कि मुख्यमंत्री जी को विरोध झेलना पड़ सकता है। ऐसे में वार्ड नंबर 4 के क्षेत्रवासी जो अपनी बुनियादी सुविधाओं को लेकर जूझ रहे हैं, जिनके वार्ड के अंदर कल प्रदर्शन किया था जिन्होंने, उन्होंने भी कॉल दी हुई है कि मुख्यमंत्री जी के आगमन पर वो अपनी मांगे रखेंगे और उनसे अवगत उनको अवगत कराएंगे कि उनके वार्ड में कितना नरकीय जीवन बन चुका है। इस प्रकार हमने आपको बताया कि 8 जगह मुख्यमंत्री जी का स्वागत होगा और भाजपा अलग अलग यानी कि समूह में बंटकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे और 4 जगह मुख्यमंत्री जी को यानी विरोध भी झेलना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री जी की यात्रा भाटोल होती हुई और बास की तरफ निकल जाएगी, उसके बाद बरवाला जाएगी, उसके बाद आगे का रूट और तय करेगी
अब फिलहाल मुख्यमंत्री जी नारनौंद का कोई कार्यक्रम नहीं है, मुख्यमंत्री जी बरवाड़ा जाकर आगे का रूट तय करेंगे। ये रहा मुख्यमंत्री जी का यानी कि जन आशीर्वाद यात्रा का एक सिलसिला। हमने सिलसिलेवार आपको बताया कि हिसार से जैसे ही चलेगी तो ये पॉइंट है, अलग अलग तोरण द्वार सजाए गए हैं, जैसे कि मेरे सहयोगी एरिया साहब को दिखा रहे हैं आपको कि ये जहाँ धर्मशाला के बिल्कुल सामने ऊपर दिखाइए कि ये यहाँ पर विनोद मेहता जी ने अपना वर्चस्व राजनीति वर्चस्व आप देख रहे हैं कि एक खूबसूरत तोरण द्वार इसमें नजर आ रही है आपको, यानी कमल के फूल के माथे पे ऐसा रंग दिया गया है इस तोरण द्वार को, दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी तेरिया जी अभी तक नजर, यानी सभी नेताओं ने अपनी अपनी समर्थकों के साथ अपने अपना समर्थन जुटाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बनाए गए हैं, इस तरह की अपने पंडाल सजाए गए हैं। और मुख्यमंत्री जी क्या कहाँ रुकते हैं, कहाँ अपना अभिभाषण करते हैं या हाथ हिलाकर वापस आगे निकल जाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। और क्या किसी विरोध करने वाले का ज्ञापन लेंगे या नहीं लेंगे, ये भी समय ही बताएगा। और किसी कार्यकर्ता से बात भी करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी विरोध यानी कि समय बताएगा। फिलहाल 8 जगह हमारे पास जैसी रिपोर्ट है कि 8 जगह मुख्यमंत्री जी के तोरण द्वार तो बहुत बने हैं, जगह जगह पोस्टर लगे हैं कार्यकर्ताओं के, भाजपा कार्यकर्ताओं के, सोकाल भाजपा नेताओं ने यानी मुख्यमंत्री जी के सम्मान में यानी कि ऐसे ऐसे आदमकद पोस्टर लगाए हुए हैं, होर्डिंग्स लगाए हुए हैं और तोरण द्वार आपको दिखाई दे रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री जी हिसार आएंगे, कल वापस रात को हिसार स्टे था और हिसार रुके थे और चले गए थे चंडीगढ़, कल फिर यानी कि हिसार आएंगे हेलीकॉप्टर से और हिसार से फिर वो यात्रा आरंभ करके झांसी की तरफ उनका आगमन होगा। धन्यवाद, मैं राजीव बंसल आपके साथ फिर मिलता हूँ और कल मिलते हैं एक नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए कीजिए इंतजार। राजीव बंसल का प्यार भरा नमस्कार।